अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, योर मैथ लेक्चर फॉर ग्रेड वन, योर टॉपिक इज एडिशन। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो एक पेज नज़र आ रहा है, आप इसको देखें। सबसे पहले जो है वो आपको बताया जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन। इसके बाद सबसे पहले आपके जो उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, दो एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया गया एडिशन का कॉन्सेप्ट। तो देखें यहाँ पर है, मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, ठीक है। हमीदा हैज़ 10 ब्लॉक्स, शी विन्स 5 मोर, हाउ मेनी ब्लॉक्स डज शी हैव ऑल टुगेदर? सो उसने कहा कि हमीदा जो है उसके पास 10 ब्लॉक्स हैं और उसने 5 और जो है वो विन किए। हाउ मेनी ब्लॉक्स डज शी हैव ऑल टुगेदर? तो उसको सारे, उसके पास टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? अब देखें, उसके पास 10 ब्लॉक्स ऑलरेडी थे, ठीक है। आपने उसके पास 5 जो है वो और आ गए, उसने 5 और विन किए, तो टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे? जब आप उसको 10 और 5 ब्लॉक्स को ऐड करेंगे, मतलब 10 के अंदर आप 5 और ऐड करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 15। अब यहाँ पर नीचे देखें, नीचे उन्होंने बताया गया कि पहले 10 ब्लॉक्स लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं 5 ब्लॉक्स। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 के अंदर 5 और ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 15। तो 15 ब्लॉक्स ऑल टुगेदर, ठीक है। उसके बाद राबिया हैज़ 7 बैंगल्स, मम्मी गिव हर 3 मोर, हाउ मेनी बैंगल्स डज शी हैव ऑल टुगेदर? सो उन लोगों ने पूछा कि राबिया के पास जो है वो ऑलरेडी 7 बैंगल्स थे और उसके बाद उसकी जो मम्मा थी उन्होंने उसको 3 और भी दिए बैंगल्स ना, तो उसके पास टोटल कितने बैंगल्स हो गए, ठीक है। आप पहले उसके पास कितने थे? 7। आप नीचे लिख देंगे 7 बैंगल्स, उसके बाद उसको कितने और मिले? 3 बैंगल्स और मिले। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 बैंगल्स और टुगेदर, ठीक है। आप अपने फिंगर्स की मदद से भी जो है वो काउंटिंग करके तो एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये जो नेक्स्ट पेज है इसके अंदर देखें, आपको जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं एडिशन की, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपने स्टेटमेंट के हिसाब से जो है एडिशन करनी होगी। सबसे पहले है, अली मेक्स 16 रन्स एंड हसन मेक्स 3 रन, हाउ मेनी रन्स डू दे मेक ऑल टुगेदर? उसने कहा कि जो अली है उसने 16 रन किए और हसन जो था उसने 3 रन किए, तो इन दोनों ने मिला के, इन दोनों के मिला के कितने रन हो गए? सबसे पहले आप ऊपर के लिखेंगे 16, उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है कि आपने वंस को वंस के अंदर ऐड करना है, ठीक है, और टेंस को टेंस के अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पर साइड पे देखें, 6 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 9। उसके बाद 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। जब क्योंकि 1 के नीचे जो है कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 0 है। जब आप 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही एज इट इज़ आ जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद है, साइमा बायस 10 चॉकलेट्स एंड 7 कपकेक्स, हाउ मेनी स्वीट्स डज शी बाय ऑल टुगेदर? उसने कहा कि जो साइमा थी उसने 10 चॉकलेट्स बाय की, ठीक है। आप 10 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसने 7 कपकेक्स किए बाय, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या लिख देंगे? 7। अब आप इन उन दोनों, उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी स्वीट्स डज शी बाय ऑल टुगेदर, उन्होंने उसने दोनों चीज़ें कितनी जो है खरीदी, मीठी चीज़ें उसे कितनी खरीदी। तो आप इसको इसी तरह से आप वंस को वंस के अंदर ऐड करेंगे और टेंस को टेंस के अंदर ऐड करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर जो है, जो आप 7 को 0 के अंदर ऐड करेंगे तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 17। 10 के अंदर आपने 7 और ऐड किए तो आपके पास क्या आ गया? 17। उसके बाद है, 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स गो ऑन अ स्कूल पिकनिक, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर ऑल टुगेदर? उसने कहा कि 8 जो है वो बॉयज़ गए स्कूल के पिकनिक में और उसके बाद 5 गर्ल्स गईं, टोटल कितने जो है बच्चे इकट्ठे गए स्कूल के पिकनिक पे? तो आप 8 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 30। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट पेज है, इसके अंदर भी आपने वंस को वंस के अंदर ऐड करना है यहाँ, और टेंस को टेंस की पोजीशन के साथ ऐड करना है, ठीक है। आप इसको जो है वो लाइंस लगा के भी ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 3 के सामने आप लाइन लगा सकते हैं 3, और नीचे लिखा हुआ है 4, तो आप 4 के सामने 4 लाइन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको नीचे पिक आपको शो हो रही है, उस पिक के अंदर देखें आपको फिंगर्स नज़र आ रही है, आप उस फिंगर्स के हिसाब से भी जो है एडिशन कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास है फोर, आपके पास जो है वो वंस की लोकेशन पे थ्री है, और उसके बाद नीचे जो है वो है फोर। तो आप फोर में थ्री ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास सेवन, और फाइव के अंदर वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स। वंस को वंस की पोजीशन के साथ ही ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, अब यहाँ पर देखिए वंस की पोजिशन के अंदर है वन, उसके बाद नीचे है सेवन, सेवन प्लस वन एट, और फोर प्लस थ्री सेवन। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर देखें डी, डी क्वेश्चन जो है आपका, उसके अंदर देखें डी पार्ट जो है उसके अंदर भी वंस की लोकेशन के अंदर नाइन और जीरो है, नाइन के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास नाइन आ जाएगा, और फाइव के अंदर फोर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा नाइन। आपने भी इसी तरह से एडिशन करनी है, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो नेक्स्ट है वो भी वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसको भी गौर से आपने, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो ईजी होते हैं, बस आपने उसको जो है थोड़ा सा ट्रिकी करके जो है वो याद रखना होता है, ठीक हो गया। सबसे पहले फर्स्ट जो है वो आपका डन हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका। ताहिर हैज़ 14 कॉइन्स, जमाल हैज़ 23 कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑल टुगेदर। उससे कहा कि जो ताहिर है, दो पर्सन की बात हो रही है, एक हो रही है ताहिर की, एक हो रही है जमील की। ताहिर के पास 14 कॉइन्स हैं, उन्होंने साइड पे लिख दिया 14। उसके बाद जो जमाल है उसके पास कितने कॉइन्स हैं, 23। उसके बाद उन्होंने 14 के नीचे क्या लिख दिया, 23। अब यहाँ पर देखें हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑल टुगेदर, इन दोनों के पास कितने टोटल कॉइन्स हैं। आप 4 के अंदर 3 को ऐड करेंगे, वंस को वंस की लोकेशन के साथ ऐड किया 7 आ गया, और 1 को 2 के अंदर 1 के साथ 2 ऐड किया तो क्या आ गया 3। ओके, उसके बाद जो बी है उसके अंदर, बी पार्ट के अंदर देखें, रहमान प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस इन वन ईयर एंड 12 मैचेस इन द सेकंड ईयर, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले इन द टू ईयर्स। अब उसने कहा कि जो रहमान है उसने 15 क्रिकेट के मैचेस खेले, आप 15 लिखेंगे। उसके बाद इन वन ईयर, एक साल के अंदर उसने 15 मैचेस खेले एंड 12 मैचेस इन द सेकंड ईयर, एक पहले साल के अंदर उसने कितने मैचेस खेले 15, और उसके बाद 12 जो है उसने दूसरे साल में जो है वो मैचेस खेले। उसके बाद आप 15 के नीचे लिख देंगे 12, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले इन द टू ईयर्स। उन्होंने, आप लोगों ने बताना है कि उसने दो सालों में कितने मैचेस खेले हैं। अब यहाँ पर मैंने 15 और 12 लिख दिया है, अब आप 5 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और 1 प्लस 1 क्या करेंगे 2, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज लर्न राइट द पेजेस नंबर 58, 59, 65 एंड 67 ऑफ योर वर्कबुक। आप लोगों ने इन सारे के सारे पेजेस को, सबसे पहले आपने अपना एडिशन का कंसेप्ट जिस तरह से मैंने आपको पूरा पूरा वीडियो के अंदर बताया है, आपने उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से जो है वो याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस के जो आपने पेजेस मैंने आपको बताए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।